छपरा जिले के परसा में जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा का दो दिवसीय राज्य सम्मेलन कार्यक्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री रामचंद्र मांझी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पद्मश्री रामचंद्र मांझी ने कहा कि लोक कवि भिखारी ठाकुर की परंपरा व उनकी कृतियों पर हो रहे हमलों पर लोगों की सोचने की जरूरत है, तभी सांस्कृतिक विरासत की हिफाजत हो सकती है। वहीं सत्र की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मिश्र ने क्षेत्र में जन आंदोलन के नेता को मंच पर आमंत्रित किया। वहीं सांस्कृतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त कर भोजपुरी को रेखांकित करते हुए सांस्कृतिक कर्मियों से एकजुट होने की अपील की। इसके पूर्व विद्यालय परिसर में संगठन के झंडे का ध्वजारोहण किया गया। ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, इसलिए आज जरूरत है हम सभी को मिलकर चलने की। इसी के मजहबी नगमात को मत छेड़ो। जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के 10वें राज्य सम्मेलन के मौके पर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश और बिहार में जो हमारी संस्कृति धरोहर है वो नष्ट होते जा रहा है, खास करके भोजपुरी के क्षेत्र में, और उसको गिरने से हमारे परिवार हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसका उत्थान कैसे हो, समेट करके समाज को संजोया जाए, इसका मूल उद्देश्य यही है। और इसी कार्यक्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि समाज में जो है नया पीढ़ी जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद होने से बचे, और हमारी भोजपुरी जो धरोहर रही है वो धरोहर एक धरोहर के रूप में आज भी बना रहे, ये मूल उद्देश्य है। इसीलिए आज ये परसा के धरती पर 10वें राज्य सम्मेलन के मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित करके डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।